हाय हेलो नमस्कार सत श्रीकाल, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे ब्लॉग देखते रहना एंड तक, तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे वीडियो कैसे लगे आप लोग। तो गाइस, मैं अभी आज तो थोड़ा फिलहाल बहुत जल्दी उठने की कोशिश किया था, आज 6 बजे उठ गई थी, तो इसकी वजह से तो जल्दी थोड़ा सा काम भी जल्दी हो गए हैं, तो मैं झाड़ू पोछा भी हो गई, अब सारा काम हो चुकी है, सब्जी भी बना लिया। मैं आज बनाई हूँ काले तोर के दाल, पहला आज नवरात्र पहला दिन है तो इसलिए मैं सिंपल सा बना लिया है सब्जी। और घर में अभी कोई नहीं है, उधर ताई के भी, मेरी ताई के भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी से डाउन है, मम्मी के साथ गई हॉस्पिटल, सो अभी खुशी भी सोई हुई है। आज थोड़ी सी जल्दी मैं भी जल्दी उठ जाती, वो भी जल्दी उठ जाती है, तो वो भी उठ गई से 6:30 ऐसे में उठ गई थी, तो अभी जल्दी सो गए, बिना नहाए आज सो गए ऐसे, तो फिलहाल उठेगी फिर उससे नहलाना पड़ेगा, तो आज तो तंग करेगी, रोटी बनाने के टाइम में आज तो तंग हो जाती है, तो इसके लिए अभी कुछ कुछ नहीं कर रही हूँ मैं भी। तो देखिए, मेरा कल ब्लॉग जो पाई से कल गुरुद्वारे में गए से बहुत रौनक थी उधर, मैं आगे से 4:30 बजे पहुँच गए, 3 बजे पहुँच गए से इधर, तो इसके बाद खुशी भी सो गए से गाड़ी में, सो गए से वो तो कार में सो गए से, तो बहुत रौनक था उधर। तो मेरे वीडियो कैसे लगती है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके कमेंट कर देना और लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छे सीखने वाले कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आऊँगी, जहाँ ऐसे होता है ना, रोज़ रोज़ एक ही टॉपिक पर देखना थोड़ी बोरिंग से हो जाती है, तो थोड़ी अलग से टॉपिक हो तो थोड़ा अलग से हो जाते, तो मैं कोशिश करूँगी आज आपके आप लोगों के लिए कुछ अलग सा लाने के लिए रोज़ ही सोचती हूँ, तो फिर भी होता ही नहीं, तो मैं आज दिखाऊँगी कुछ ऐसे। और बताइए कितनी गर्म है यहाँ पे, बोलो मदर, गर्म इतनी पड़ रही है अभी, अप्रैल महीने से इतना गर्मी हो रही है पता नहीं, और जुलाई जून जुलाई तो है, मई जून जुलाई तो है ही, कितनी गर्म होएगी। फिर हमारे उधर ना असम में तो इतना गर्मी नहीं है, क्योंकि गर्मी सीजन में बारिश भी हो जाती है जल्दी से, तो लगती है आप लोगों को, तो कमेंट करना और लाइक कमेंट शेयर करना। तो जो जो नहीं देख रहे हैं मेरा चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे प्यार देते रहना और सपोर्ट देते रहना, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए थोड़ी मोटिवेशन मिलता है, तो इसके वजह से तो एक कमेंट या एक कमेंट ही मेरे लिए बहुत वीडियो बनाने के लिए बहुत साहस देती है। तो ये देखिए, मैं टमाटर तड़का लगा रही हूँ, इसमें मैं थोड़ी सी धनिया पाउडर, काले लाल मिर्ची और नमक हल्दी, बस ये डाल के मैं तड़का लगा रही हूँ, आज बना रही हूँ काले दाल के छिलका, क्योंकि नवरात्र भी चल रही है, तो इसलिए मैं सिंपल सा बना दिया आज। अभी बच चुके हैं 5, तो कुछ को ऊपर खेलने के लिए लेके आई है, इधर पापा को दे दो, पापा को हो जा इधर, थके ये मजा आ रहा, इधर हाँ चल चलो आगे चलो, बोल लेके बोल बोल किधर, बोल बोल बोरी उधर, बोरी बोल बोरी बोल बोरी 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 बोल बोरे बोरी खुशी बोल बोरी बोल खुशी बोरी बोल, जल लेके आओ जल लेके आओ, बोल बोरी बोल बोरी उधर बोरी फेंको फेंको इधर,
चलिए। किसको बुला किसको बुला रही है? और मामा है और कोई कोई है और मामा मामा किसको बुला रही हो? मामा है तो नहीं बुलाओ। चलो हम दोनों चलिए आ जाओ। मम्मी तो बस यही याद आती है तुम गु 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 इधर कुछ क्या कर रही है? आलू नीचे गई। कोई नहीं कर बोल आगे बोल आगे बोल आगे बोल चोट लग जाएगी खुशी। माँ बेटी बैठ गई नीचे। ए खुशी ईट ना चका था पैर लग जाएगी इसमें। बैठ जा बैठ जा। ए बांदरी चिपक गई। तो ये मिला मेरा गिफ्ट है, सूट है मेरा। ये किसने गिफ्ट दिया है मैं बताऊंगी। सो कैसे लगे? अच्छे लग रहे ना? मुझे तो बहुत अच्छी लगी दोनों सूट। और ये है मुझे मुझे वैसे फीके फीके कलर अच्छे लगते हैं, इतनी कलरफुल नहीं पसंद। तो ये भी अच्छी लग रही है। तो ये गिफ्ट किसने दिया मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं आज ये निकाल के रखी है मुझे, क्योंकि सिल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं खुद ही ये सिलाई करूंगी, तो मैं कटिंग से लेके मैं सिलाई तक मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कैसे कटिंग करना है सूट की। और ये मैं बनाऊंगी साइड प्लाजो बनाऊंगी साइड सूट के साथ, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जिस दिन मैं सिलाई करूंगी। तो मैं साइड एक अगले वीडियो में साइड में दिखाऊंगी एक मतलब सूट सिलूंगी अगले वीडियो में, देखने के लिए मिलेगा। तो कैसे लगे? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और वैसे भी गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है ना सर, तो सस्ता है या वो है कितनी वो उसके कप उसको नहीं देखा जाता है। तो गिफ्ट है तो जितने भी छोटी मोटी हो या सस्ते हो वो नहीं देख वो इम्पोर्टेंस नहीं है, बस गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। तो प्यार से कोई गिफ्ट देता है वो ही बहुत है मेरे लिए। तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि महंगी कितना महंगी है कितनी अच्छी है, वो नहीं देखा जाता, नहीं देखती। तो ये जिसने दिया है मैं बाद में बताऊंगी ये किसने दिया है, जब मैं पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को सिल के सिलाई करने के बाद मैं पहन के दिखाऊंगी तब मैं बताऊंगी ये किसने दिया है। सो अब इस सीक्रेट रखूंगी ये किसने दिया था। तो
ये मुझे बर्थडे में गिफ्ट दिया था। 20 मार्च में मेरा बर्थडे नहीं था तो उस दिन में गिफ्ट मिला था मुझे ये दोनों सूट। तो इसलिए जब मैं पहन के दिखाऊंगी ना तब बताऊंगी किसने दिया था ये। और अभी तो खुशी सो गई है फिलहाल, आज तो सो गई। तंग करेगी शायद रात को, ऐसे शाम को सो जाने ना, 6 बजे सो गए हैं तो पता नहीं कितने 7 बजे तक तो उठ जाएगी। और रात को तंग करेगी, फिर 11 बज जाती है कई बार तो, खेलती रहती है तो इसकी वजह से। आज तो शायद थक गई तो सो गई। तो मेरा भी हो गया खाना, मैं सोचा था कुछ ही जल्दी खा लेती है, पर मतलब 7 बजे तक तो खाना खा लेती है, खुशी को खिला देती हूँ तो इसलिए मैं जल्दी बनाई थी। तो अभी खुशी भी सो गई। तो मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, तो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और अच्छी भी नहीं लगी हो फिर भी मुझे कमेंट करके बता देना कहाँ गलती हुआ है मुझे, तो तब मैं सुधारने के मतलब वो कोशिश करूँगी कहाँ गलती हुआ है। और कहीं पर गलती भी हो सकती है, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हिंदी कई बार कैमरे के सामने बोलना मेरा वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। सो और अगले वीडियो में मिलती हूँ। सो टिल देन बाय बाय।